सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नेहा, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू इलेक्शन वीडियो। होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो कमेंट करके बताना जरूर कि आप सब कैसी हो। एंड मैं आ गई हूँ नई इलेक्शन वीडियो लेके आप सबके लिए। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कह सकते हैं या बहुत ही यूनिक सी वीडियो होने वाली है। एक हिंदू लड़की है, वो मतलब जो मुस्लिम की प्रेयर्स होती है, नमाज होती है, उसके बारे में कुछ बोलने वाली है। सो आई डोंट नो वो कुछ नेगेटिव बोलेगी पॉजिटिव बोलेगी, लेकिन वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ पॉजिटिव बोलने वाली है उनको। सो मतलब बहुत ऐसे बहुत बड़े ग्राउंड में इतने लोगों के सामने, एंड सो देखने मजा आएगा ये सुनने में कोई हिंदू जो है मतलब बोलने वाला है उनके बारे में। एंड आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब वगैरह कर लो आप चैनल को जिसने नहीं करा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वीडियोस मिलेंगी आपको जो कि आप देखना पसंद करोगे। एंड कर लो वैसे और देख लो, सर्च कर लो, वीडियो मिल जाएगी आपको। और आज हम यही सुनेंगे, एंड मतलब इस वीडियो के बारे में जो आइडिया कुछ नहीं है, लेकिन मतलब टाइटल को देख के थोड़ी एक्साइटमेंट सी हो रही है कि क्या हो सकता है इस वीडियो में ऐसा। बाकी आप जो है मेरा साथ ऐसे ही देते रहें, हमेशा बने रहें मेरे साथ। और इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो फॉलो मुझे वहां पे जाके कर सकते हो और कर भी लो वैसे जाके। एंड सो चलिए फिर सुनते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है। सो लेट्स प्ले द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे अजीज भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम देखोगे कि एक हिंदू बहन जिसका नाम है नैना जायसवाल, उन्होंने एक इवेंट के दौरान जो कि हैदराबाद के ताज डेकन होटल में हुआ था, उसमें उस हिंदू बहन ने हम तमाम मुसलमानों को स्पीच के दौरान नमाज की इतनी खूबसूरत फजीलत और नसीहत बताई, जिसे सुनना और तमाम मुसलमानों को शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, मैं ये जिम्मेदारी आप पे छोड़ती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद मेरे इस वीडियो को तमाम मुसलमानों तक जरूर शेयर करें। आइए दोस्तों, ये बेहतरीन वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं कहती हूँ कि खुशी उन्हें नहीं मिलती जो अपने शर्तों पर जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं। मेरा नाम नैना जायसवाल है, मैं एशिया की पहली लड़की हूँ जिसने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की, और 10 साल की उम्र में मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने, और 15 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, और अभी 17 ईयर्स में मैं PhD कर रही हूँ। टेबल टेनिस में मैं नेशनल चैंपियन हूँ, साउथ एशियन चैंपियन हूँ। तो आज हम सब बहुत खुशनसीब है कि हमारे बीच सब खुशनुमा हस्ती लोग बैठे हैं, तो उन्हें मैं तहे दिल से सलाम करती हूँ। यहाँ का माहौल देखकर मुझे फिर एक बार लग रहा है कि गंगा जमुना तहजीब थी, है और आगे भी रहेगी, और जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं पर, मुल्क से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, सोने में भी लिपट मरे शासक कहीं पर, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। और ऐसे ही कफन ओढ़ने वाले शहीद लांस नायक मोहम्मद फेरोज खान को मैं सलाम करती हूँ। मैं एक और रिक्वेस्ट करती हूँ कि फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा 5 वक्त की नमाज है, अगर आप फजर सोने में, जोहर नौकरी में, असर चाय में, मगरिब रास्ते में और ईशा टीवी पर काटते हैं, तो आपको समझना होगा कि आपकी जिंदगी भी कटने वाली है, क्योंकि जो इंसान नमाज के सजदों में ज्यादा झुकता है, उसे जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। और आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख जाते हैं, बनो तो मेहंदी के पत्तों की तरह जो खुद पिस कर भी दूसरों के जिंदगी में रंग भर देते हैं। इतना ज्यादा टैलेंटेड भी कोई हो सकता है? मतलब 10 साल की कि 8 साल की उम्र में, मतलब उन्होंने 10वीं पूरी कर ली थी, 13 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुए थे, 17 साल की उम्र में वो PhD कर रही हैं, एंड मतलब टेनिस चैंपियन ऐसी रह चुकी हैं। ऐसे इतना टैलेंट भी होता है लोगों में यार, वो देखना मतलब बहुत अजीब सा लगता है ना, बहुत खुशी महसूस होती है कि ऐसे भी लोग हैं। और उन्होंने नमाज के बारे में ये कहा है कि जो मतलब नमाज को पूरा झुक के करते हैं, उनको मतलब किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती है।
सो ये बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने दिया है एंड मुझे पसंद आया है। और ये थी हिंदू लड़की नैना जायसवाल जी, मैं इनके बारे में सर्च जरूर करूंगी क्योंकि ऐसे शख्स को जानना पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बहुत मजा भी आता है किसी को ऐसा मतलब देखते हुए। सो ये थी वीडियो। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होंगे बट नो, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। इतने लोगों के सामने मतलब इतना कॉन्फिडेंट होके बोलना बहुत बड़ी बात है। सो ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें देखनी चाहिए जिनसे हेट स्प्रेड ना हो। मैक्सिमम लोग वही चीजें देखते हैं जिनसे हेट ज्यादा स्प्रेड होती है और कहीं तो मतलब वीडियो को कहीं और ही पहुंचा देते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। सो ये थी मतलब वीडियो और मुझे जो है बहुत ज्यादा पसंद आई है। आपको भी अगर आई होगी वीडियो पसंद तो आप मतलब जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, आपसे मैं यही कह सकती हूँ। और मेरे मतलब चैनल पे बने रहो, मेरे साथ बने रहो, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। मजा आएगा आपको, मतलब आगे और ज्यादा वीडियोज में लेके आ रही हूँ धीरे धीरे करके, आपकी रिक्वेस्ट पूरी होती जाएगी। सो ये थी वीडियो एंड होप सो यू लाइक इट। सो गाइज मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।